देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। जी नमस्कार, जय हिंद। हमारा उद्देश्य पूरे संपूर्ण देश में यही है कि भारतीय जनता मजदूर संघ द्वारा सदस्यता अभियान की ये मुहिम दर दर हर एक देश में, हर एक घर के कोने में ये अभियान को जोर शोर से शुरू की जाए। और राजस्थान में आने का हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे सक्रिय भाई बंधु, हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी महामंत्री जी, जो यहाँ पर राजस्थान में एक के बाद एक बड़े ही सक्रियता से जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। और ये सदस्यता अभियान की जो शुरुआत है, हमने वो शुरुआत जयपुर से की है, तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता मजदूर संघ का परचम पूरे देश में लहराए। मैडम, आप जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, और ये आपने बॉम्बे में भी चलाया है, मैंने देखा था आपको बॉम्बे के अंदर भी, क्या राजस्थान के अंदर हमारा ये संकल्प पूरा हो सकेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकेगा। ये राजा महाराजाओं का गढ़ है, तो यहाँ पे प्रजा की नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी, और प्रजा यानी हमारा मजदूर हो गए। नहीं, काफ़ी बार हमने देखा है कि है ना, मजदूरों के ऊपर इतना अत्याचार होता रहता है कि मजदूर है ना बेचारा पिसा रहता है, बाकी आज तक किसी सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। जी बिल्कुल, जब किसी ने नहीं सोचा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शांत प्रकाश जाटव जी ने सोचा, और इस पे हमें गर्व है। और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शांत प्रकाश जी के लक्ष्य पे और उद्देश्य पे हम कायम रहेंगे। भारतीय जनता मजदूर संघ राजस्थान, हमने अधिकतर 10 से 15 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी घोषणा भी करने वाले हैं 15 जिलों की, सबके जिलाध्यक्ष हमने बना लिए। भारतीय जनता मजदूर संघ जो काम कर रहा है, श्रमिक एवं श्रमिक के परिवारों के कल्याण के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो घोषणाएं आई हुई हैं, उन घोषणाओं का लाभ निश्चित तौर पर मजदूर को मिले, और हम जमीनी स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर हमने मुख्यमंत्री जी को हमने 2 से 3 बार हमने ज्ञापन दिया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स का जो आपने सर्वे किया है, इस सर्वे के बाद में आपको इनको लाइसेंस देना था, इनको लाइसेंस नहीं दिया गया। अगर इनको लाइसेंस मिलता है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इनको मिलेगा। और यहाँ पर जो है खाद्य सुरक्षा का जो मामला चल रहा है, इस पर भी सरकार ने घोषणाएं करी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर वहाँ पर काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर पेंशन पर जो काम हो रहा है, वृद्धावस्था जो पेंशन, जितनी भी सामाजिक पेंशन यहाँ पर लागू हुई है, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी पीड़ित है इस व्यवस्था को लेकर के, सरकार से नाखुश हैं लोग। हम मजदूर लोगों की सहायता करके इस भारतीय जनता मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी, हम मजदूर वर्ग के साथ में मध्यस्थता के रूप में हम काम कर रहे हैं, ताकि उनको प्रत्येक मजदूर को इस योजनाओं का लाभ मिल सके राजस्थान के अंदर। इसलिए हमने सारे पदाधिकारियों का गठन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम इस पर काम करना चाह रहे हैं राजस्थान के अंदर। अभी 19 जो नए जिले बने हैं, जी जो 19 जो नए जिले बने हैं, उसके अंदर भी क्या मजदूर संघ जी अपनी भूमिका निभाएगा? जी बिल्कुल, हमने क्या किया, जो 19 जिले बने हैं उनमें कई तहसीलें थी पहले, वो तहसील अब जिले बन गए हैं, तो हमारी आगामी जल्दी से जल्दी इस पर क्या है जिला अध्यक्षों की घोषणा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तहसील अध्यक्षों की यहाँ घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, कर चुके हैं 6 महीने पहले। अब जिले बनने से क्या जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएंगी। सीकर से एक जिला अध्यक्ष जो नीम के थाने में रहने वाले हैं, हमारे कृष्ण कुमार जी गुर्जर जो आए हुए हैं, इनको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं सीकर जिले की। अभी सर अपना नाम और पता बताएं। मैं JP भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता मजदूर संघ राजस्थान। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे भारतीय जनता मजदूर संघ श्रमिक व श्रमिक परिवार के लिए जन स्तर पर कार्य कर रहा है, हमारा उद्देश्य है कि मजदूरों को उनका प्रधानमंत्री जी की द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ दिलाना है। हमारा संघ एक ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें सामाजिक तथ्यों को साइड में रखकर, जैसे अखंडता में एकता को साथ में लेकर, तथा जाति धर्म से परे होकर, हम एक और एक होने का उद्देश्य लेकर इस सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। और मजदूरों को ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लाभ मिले। मजदूर को मजबूत बनाना है, और साहसी, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश महामंत्री, ये भारत मोदी जी की योजना है जो मजदूरों को नहीं मिल रही है, तो भारतीय जनता मजदूर संघ मजदूरों को योजनाएं हैं वो लाभदायी करवाना चाहिए, और हम यही काम कर रहे हैं कि मोदी जी की जो योजना है मजदूरों तक पहुंचाएं। हमारा नेतृत्व ने ये पूरी टीम काम कर रही है, पूरी टीम का मतलब ऊपर से चैनल आ जाने, ये बॉम्बे से हमारे भी मैडम पधारी हुई है, और ये है ना सारे काम को देखने के लिए आई है,
कि जयपुर में कौन कौन ने ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, उच्च अधिकारी कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, हमारे से सारे पद वाले काम कर रहे हैं, तो हम सारा हिल मिल करके काम कर रहे हैं। और इनके नेतृत्व में इनको सारा दो दिन से ना हमने जयपुर का निरीक्षण करा दिया मैडम को, और ना आगे भी हम कराएंगे। हम मजदूर वर्ग में जैसे भी मजदूर हो, चाहे वो ना ये किसी भी वर्ग का हो, चाहे इधर होटल में हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, हम ना उनसे ना ये संपर्क में करते हैं। प्रदेश हमारे ये भारद्वाज जी के नेतृत्व में हम लोग ना सारा काम दे